हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड आई, मतलब थायराइड जो बीमारी है उसकी वजह से हमारी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हम अपनी आंखों के कुछ सिम्टम देख के बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि शायद हमारा थायराइड TSH लेवल बढ़ा आया है या फिर कम आया है। तो थायराइड आई के क्या सिम्टम है, कैसे हम अपनी आंखों में पहचान सकते हैं कि हमारी आंखों में थायराइड का असर आया है, हमारी बॉडी में थायराइड है। आंखों में पहली बात क्या होता है, जो हमारा स्क्लेरा होता है, जो वाइट होता है, उसमें लाली आ जाती है, वो लाल हो जाता है, जिसमें हमको जलन भी होती है। जलन जैसे हमको ऐसा लगता है कि हमारी आँख में कुछ चुभ रहा है या फिर हमारी आँख में कुछ जल रहा है, ऐसा हमको सेंसेशन फील होता है। साथ ही हमारी आँख पूरी एकदम प्रॉपर रेड नहीं होती, पर उसमें हल्की हल्की रेडनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में हमको सूखा सूखापन भी फील होने लगता है, और ऐसा लगता है हमको हमारी आँखें सूखी सूखी हैं, तो हमारा मन करता है उसमें पानी के झपके मारने का, ताकि जिससे हमको थोड़ा सा रिलीफ मिले। बात करें दर्द की, तो हमारी आँखों में दर्द भी होता है थायराइड आई वाले पेशेंट को। दर्द कैसा होता है, बहुत तरह का जैसा दर्द होता है। एक तो होता है बहुत ज़्यादा दर्द, वो वाला दर्द नहीं होता, हल्का हल्का पेन होता है। साथ ही हमको मेन जो दर्द होता है वो होता है ऑक्यूलर मूवमेंट पे, जैसे जब हम अपनी आँखों से एक तरफ देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं, तब तो हमें उतना दर्द नहीं होगा, पर जब हम अपनी आंखों को हिलाएंगे, जैसे ऊपर या फिर नीचे या फिर राइट या लेफ्ट, अगर हम अपनी आंखों को मूव करेंगे तो हमको हमारी आंखों की मसल्स में, हमारी आंखों में हल्का सा पेन फील होगा। ये थायराइड का बहुत अच्छा सिम्टम है। साथ ही हमारी आंखों में हमको सूजन भी देखने मिल सकती है। वो सूजन हमारी आँख के बाहरी भी हो सकती है और अंदरूनी भी हो सकती है। अंदरूनी सूजन हमारी आँख में थायराइड वाले पेशेंट को हम जैसा देखते हैं वो ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपको क्या फील होता है कि आपकी एक आँख बड़ी है, एक आँख छोटी है। कोई भी आपकी आँख, आपकी आई बॉल जो स्क्लेरा होता है, वो थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, वो थोड़ी आँख आपकी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा मेरी एक आँख छोटी है, एक आँख बड़ी है। ये भी थायराइड का बहुत अच्छा सिम्टम है, बहुत मेन सिम्टम है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपकी बॉडी में TSH लेवल या तो बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस करा सकते हैं, ताकि डॉक्टर आपका थायराइड के टेस्ट कराने के बाद उसके बाद आपकी दवाइयाँ चला दे। साथ ही आपको अपनी आँखों को थायराइड वाले डॉक्टर के साथ ही साथ आपकी आँखों को आई डॉक्टर के पास जाके भी आपको चेकअप कराना है, जिसमें आपको जो जलन हो रही है, जो खुजली हो रही है, आँखों का दर्द हो रहा है, वो थायराइड के कम होने से नहीं होगा। उसके लिए हमको आपकी आँखों के लिए कुछ ड्रॉप्स चलानी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ आपको देनी पड़ती है, जिससे आपकी वो जलन, चुभन, खुजली और आँखों का दर्द वो ठीक हो जाए। साथ ही आपको अपना आपका हम एक नज़र वाला टेस्ट भी करते हैं, आपको डायलेट करके, आपकी दवाई डाल के, आपका पर्दा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम अच्छे से चेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको अगर नज़र में कोई दिक्कत आने वाली है तो वो हम पहले से पहले उसको रिकवर कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं दवाइयों से। तो आँखों के डॉक्टर के पास भी आपको रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर जाना है, अगर आपको थायराइड है तो। साथ ही जो थायराइड की वजह से क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, हमारी बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, हमारी आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आपकी आँखों के लिए कुछ एंटीबायोटिक, कुछ दवाइयाँ हम चलाते हैं, जिससे आपकी आँखों में इन्फेक्शन ना हो। साथ ही आप अपने थायराइड को कंट्रोल रखें, ढील उसमें ना दें, उसको एकदम कंट्रोल रखें, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो और कोई बड़ी बीमारी आपको फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।